आवश्यकता अनुसार जैसा होगा परिवार और अस्पताल प्रबंधन तय करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। डॉक्टर का कहना पहले से बेहतर है और स्टेबल। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी खराब है और यही सबकी चिंता का कारण है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की स्थिति में सुधार कब होगा। पटना के पारस अस्पताल में लालू प्रसाद यादव फिलहाल भर्ती है, दिल्ली ले जाने की बात कही जा रही है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी दलों के तमाम नेता लालू प्रसाद यादव को देखने आ रहे हैं, उनका हाल जानने आ रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आज बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे पहुंचे तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। चिकित्सकों से बातचीत हुई और डॉक्टरों का कहना है कि लालू जी का स्वास्थ्य स्टेबल है। पहले से उन्हें कई सारी बीमारियां हैं, किडनी खराब है और भी बहुत कुछ है, तो वो तो सारा जो चीज़ है चिकित्सक देख रहे हैं और चिकित्सकों ने कहा है कि वो स्टेबल हैं। परिवार के लोग और अस्पताल प्रबंधन सब एक दूसरे के लगातार संपर्क में हैं और जो भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको देनी है वो उन सारे चीज़ों की बात की जा रही है और आवश्यकता अनुसार जैसा होगा परिवार और अस्पताल प्रबंधन तय करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। परिवार वालों से मुलाकात हुई, तेजस्वी से मुलाकात? हाँ, तेजस्वी जी थे, अभी साथ में बात हुई, सभी परिवार के लोगों से भेंट हुआ। मैं गया, उनसे मिला, उनको नमस्कार किया मैंने और चिकित्सक उनको देख रहे हैं लगातार, पूरा अस्पताल प्रबंधन जो भी बेहतर व्यवस्था है वो सब कुछ कर रहा है। पहले से सुधार है। डॉक्टर का कहना पहले से बेहतर है और स्टेबल। सुना आपने, मंगल पांडे ही नहीं हर कोई चिंतित है, वो भी कह रहे हैं कि पूरी पूरी ये तैयारी की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति जैसी है वैसे ही कम से कम अभी के लिए रखा जाए, क्योंकि उनकी स्थिति को अभी स्टेबल बताया जा रहा है, अभी उनकी हालत स्थिर है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात जो डॉक्टर कह रहे हैं करने की जरूरत नहीं है। हालांकि चिंता इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति काफी दयनीय है, पहले से ही कई सारी बीमारियों से वो ग्रसित है। इसके अलावा उन्होंने वो दो दिन पहले जो है घर में सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 3:30 बजे रात में ही भर्ती कराना पड़ता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को लेकर तमाम दलों की चिंता, तमाम दलों के नेताओं की चिंता, प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार तक की चिंता बढ़ी हुई है। क्या कुछ होता है वो भी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव को देखने का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला, उनके हालचाल को जानने का सिलसिला जारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। और आवश्यकता अनुसार जैसा होगा परिवार और अस्पताल प्रबंधन तय करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। डॉक्टर का कहना पहले से बेहतर है और स्टेबल।